हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद उस पर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आज हम जो देखेंगे कौन सी है? ये तूने रिदम चेंज किया, मुझे बता के करता ना, मैं भी थोड़ी सी लाइनें न्यू ऐड करता कहीं अपनी। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे वो है शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट मुंबई इंडियंस। आईपीएल चल रही है तो हमारी वीडियोज भी आईपीएल से रिलेटेड ही हैं। मुंबई इंडियंस के बारे में शॉकिंग फैक्ट, एक फैक्ट तो मैं बताएं। हाँ, कि वो सबसे ज्यादा 20% इनकी बहुत अच्छी, उसके अलावा भी मैं बता दूं बहुत ही। हाँ, छोड़ देख, बता दे क्या है, छोड़, वीडियो में देख। ओवरऑल सक्सेसफुल टीम रही है, मैं बता रहा हूँ। मतलब इनकी सेंचुरी सबसे ज्यादा है, शायद 50 सबसे ज्यादा है, छक्के सबसे ज्यादा है, कैचेस सबसे ज्यादा है। ओके, इसी तरह की दो चीजें होंगी। हाँ, वो तो पता है, आजकल आईपीएल आ जाएगा चाहे ना तो इंस्टा पे पोस्ट सारा कुछ लिखा हुआ सही। तो हम देखते हैं मुंबई इंडियंस की फैक्ट्स जिसने आधे से ज्यादा पहले से बता दी है, पोस्ट देख कर इसको इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, वो पर नजर से गुजरी थी तो मैं कुछ चीजें जहन में रह गई। लेट्स सी, शायद कोई एक दो चीज चेंज हो जो मैंने कही है, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम हो, बट कुछ इसी तरह की। मतलब काफी सक्सेसफुल टीम रही है ओवरऑल। लेट्स सी, ये तो आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी उठा चुकी मुंबई इंडियंस हमेशा से ही ज्यादातर क्रिकेट फैंस की फेवरेट टीम रही है। और आज की ये वीडियो भी उन्हीं फैंस के लिए है जिसमें मैं आपको मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए काफी सारे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में शायद अब तक आपको ना पता हो। आईपीएल की शानदार टीम मुंबई इंडियंस के मालिक है इंडियन बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी। अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को सबसे महंगे दाम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा $111.9 मिलियन में खरीदा गया था। और अपनी लगातार शानदार परफॉर्मेंस की वजह से टीम की वैल्यूएशन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2019 के हिसाब से $115 मिलियन है, जो कि अब तक किसी भी आईपीएल टीम के लिए सबसे ज्यादा है। मुंबई इंडियंस की शुरुआत 2008 में हुई थी। टीम के लोगो में सुदर्शन चक्र है जिस वजह से शुरुआत में टीम का नाम मुंबई रेजर्स रखा जाने वाला था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के सुझाव पर ही टीम का नाम मुंबई इंडियंस पड़ा। आपको बता दूं कि शुरुआत में सचिन तेंदुलकर ही मुंबई इंडियंस के प्लेयर आइकन थे। मुंबई इंडियंस अब तक 4 बार आईपीएल टूर्नामेंट जीत चुकी है, जिसमें 2013 में पहली बार सीएसके के खिलाफ, दूसरी बार 2015 में फिर से सीएसके के खिलाफ, तीसरी बार 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीम को 1 रन से हराकर, और चौथी बार 2019 में एक बार फिर से सीएसके को 1 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। ऐसा करने वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल की एकमात्र टीम है। उसके अलावा इन्होंने 2 बार चैंपियंस लीग T20 की ट्रॉफी भी जीती हुई है। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे पहले 100 मैचेस जीतने वाली टीम भी मुंबई इंडियंस ही रही थी। टीम के शुरुआती कुछ सालों की बात करें तो इसमें कई क्लासिक प्लेयर थे जैसे कि सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान और आशीष नेहरा। 20 मई 2012 को मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हराया था। इस मैच में सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर ने 163 रन की पार्टनरशिप करी थी और टीम की एक भी विकेट नहीं गिरी थी। टीम के हाई स्कोर्स और लोएस्ट स्कोर्स की बात करें तो टीम ने 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 223 रन बनाए थे और 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 87 रन पर ऑल आउट हो गए थे। अभी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जो कि 2013 से टीम की कप्तानी का पद संभाल रहे हैं। बहुत बड़ा स्टार है। कैप्टनशिप के अंदर टीम अब तक 4 बार आईपीएल जीत चुकी है। ऐसा करने वाले वे आईपीएल के एकमात्र कैप्टन हैं और साथ ही आईपीएल में सबसे सफल कैप्टन भी। रोहित शर्मा की टीम में आने के बाद से वे लगातार रन स्कोरर और लसित मलिंगा हाईएस्ट विकेट टेकर खिलाड़ी बने हुए हैं। आईपीएल करियर में 4898 रन के साथ रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन के माइलस्टोन्स के बेहद करीब हैं और उम्मीद अनुसार वो इस साल इस माइलस्टोन को पार भी कर देंगे। सीएसके के बाद मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे ज्यादा विन परसेंटेज है। जब भी मुंबई आईपीएल में कोई मैच खेलती है तो उसके जीतने के चांसेस 57.7% होते हैं। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर टीम्स के अगेंस्ट इनकी विन परसेंटेज देखें तो मुंबई इंडियंस की सबसे ज्यादा विन परसेंटेज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है, जो कि लगभग 76% है, जबकि वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हें सबसे ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा है, जिनके खिलाफ उनकी विन परसेंटेज केवल 47% है। सुपर ओवर्स की बात करें तो सुपर ओवर्स भी मुंबई इंडियंस के लिए काफी लकी साबित हुए हैं। आज तक मुंबई ने केवल 2 सुपर ओवर्स खेले हैं और वो दोनों ही जीती भी है। एक बार 2017 में गुजरात लायंस के खिलाफ और एक बार 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। मुंबई इंडियंस आईपीएल की एक ऐसी टीम है जिसके नाम सबसे ज्यादा मेड इन ओवर्स का रिकॉर्ड भी है,
जो कि लगभग 34 ओवर्स है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा नो बॉल भी इसी टीम ने फेंकी है जो कि करीब 100 से ज्यादा है। श्रीशंत के बाद मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही आज तक आईपीएल में सबसे ज्यादा नो बॉल्स फेंकी हैं। बुमराह अब तक 78 आईपीएल मैचेस में 22 नो बॉल्स फेंक चुके हैं। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल की एकमात्र ऐसी भी टीम है जिसके एक मैच के दौरान 5 खिलाड़ी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। आईपीएल के बनाए गए रूल के हिसाब से किसी भी मैच में 4 से ज्यादा फॉरेन खिलाड़ी नहीं खेल सकते, जबकि 2011 में मुंबई इंडियंस की तरफ से 5 फॉरेन खिलाड़ी टीम में खेलते हुए नजर आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स उस समय इंजर्ड हो गए थे और टीम को पूरी करने के लिए एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी को खिलाना बेहद जरूरी था। आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस के नाम पे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मार्जिन से विक्ट्री का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 2018 में अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 212 रन की शानदार पारी खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को मात्र 66 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद वो 146 रन के अंतर से उस मैच को जीत गए। लसित मलिंगा बतौर बॉलर मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हुए, लेकिन जब कभी भी उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला तो वे ज्यादातर 0 रन पर आउट हो गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लसित मलिंगा अपने आईपीएल करियर में 33 बार 0 पर आउट हो चुके हैं, जो कि किसी भी प्लेयर का अब तक सबसे हाईएस्ट डक रिकॉर्ड है। इसके अलावा लसित मलिंगा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं, जिन्होंने 122 मैचेस में 170 विकेट्स लिए हैं, वो भी केवल 19.8 के एवरेज पर। किरण पोलार्ड भी मुंबई इंडियंस के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है। 2009 में हुई बिग बैश लीग में पोलार्ड की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल ऑक्शन में जब पोलार्ड का नाम आया तो ज्यादातर टीम्स ने पोलार्ड को अपनी टीम में खरीदने के लिए ऊंची बोली लगानी शुरू कर दी, लेकिन अंत में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम के लिए खरीदा। 2010 से अब तक पोलार्ड मुंबई की टीम से ही खेल रहे हैं और उनके नाम कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि पोलार्ड आईपीएल में चौथे सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ी हैं। वो अब तक 82 कैचेस लेकर विकेट निकलवा चुके हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा के बाद वो टीम के लिए आज तक सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 157 इनिंग्स में 145 के स्ट्राइक रेट से 3258 रन बनाए हैं। इसके अलावा हरभजन सिंह भी इस टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहे। हरभजन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल की सबसे ज्यादा विनिंग टीम्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए ही अलग अलग समय पर विनिंग स्क्वाड्स का हिस्सा रह चुके हैं। 147 विकेट्स के साथ मलिंगा के बाद हरभजन मुंबई के लिए सबसे ज्यादा बॉलिंग स्टाइल। इसके अलावा भज्जी आईपीएल की सबसे बड़ी ऑन स्क्रीन फाइट का भी हिस्सा रहे हैं। 2008 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हरभजन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था और इसका कारण था कि उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी श्रीशंत को मैदान पर ही थप्पड़ मार दिया था। एक और खिलाड़ी जो इस टीम के लिए बेहद जरूरी है वो है हार्दिक पांड्या। 2017 के सीजन में हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर में 28 रन बनाए थे, जो सीजन का रिकॉर्ड था, और 2019 में उन्होंने 16 मैचेस में 402 रन बनाए और 14 विकेट्स निकाली, जिसके बाद वो मुंबई इंडियंस के उस सीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आए। मुंबई इंडियंस ने अब तक 3 बार सीएसके के खिलाफ आईपीएल फाइनल मैचेस में जीत दर्ज की है और अब तक ये दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ लगभग 30 बार खेल चुकी हैं, जो कि अब तक किसी भी आईपीएल टीम के लिए एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा मैचेस हैं, जिसमें से 18 मैचेस पर मुंबई इंडियंस ने अपनी जीत की मोहर लगाई है। 2008 में जब टीम की शुरुआत हुई थी तब से लेकर 2014 तक टीम के किट मैन्युफैक्चरिंग का काम एडिडास कंपनी ने संभाला हुआ था, लेकिन 2014 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अपनी ही ब्रांड परफॉर्मैक्स ने मुंबई इंडियंस के लिए किट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही थे मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इस चैनल के मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो काफी सारे डिटेल्ड फैक्ट्स थे, काफी ओवरऑल मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस बल्कि ऑब्वियसली सबसे सक्सेसफुल टीम अब तक की रही है। और उसमें एक और चीज के मतलब कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल आ जाता है। खासतौर पर धोनी को 3 बार फाइनल में हराना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है, तो ही इज अ वेरी गुड कैप्टन ऑब्वियसली इस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इतने सारे मैचेस जीतना और फिर धोनी जैसे कैप्टन को मतलब 3 बार फाइनल हराना यार धोनी जैसे कैप्टन को, ये बहुत बड़ी बात है।
जो बंदा यहाँ से भी बड़ा ध्यान से चलता है और ही नोज कि अपनी टीम को चलाना कैसे है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं थोड़ा सा शायद इसलिए भी साइड ले रहा हूँ, मुझे पर्सनली रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा लगता है बैटिंग में कंपैरेटिवली, लाइक ये बंदे में मुझे रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है, ही इज द गाय। मतलब काफी सारे इंडिया में लोग हैं जो विराट कोहली से ऊपर रोहित शर्मा को समझते हैं, मैं हूँ समझता हूँ, इंडिया में भी काफी सारे, में बहुत सारे लोग हैं, तो एक डिबेट रहती है कोहली या रोहित, तो रोहित ऑब्वियसली सबको पता भी है, फिर भी डिबेट का कोई तुक नहीं बनता, पता क्या कि रोहित ऑब्वियसली नहीं, मुझे कोहली पसंद है ऊपर, तो फिर मैं तो बस तुम्हें तो आरसीबी पसंद है, तुम्हारा क्या किया जा सकता है, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, आरसीबी यार मतलब अच्छी है, मतलब तुम्हारा क्या है, एक दिल लगाई रखती है टूर्नामेंट में टीम्स का, मतलब वो होता है ना एक यूनिक टीम होती है आरसीबी जैसी, एक वो टीम टूर्नामेंट को लाइवली बना, असल में बात ही होती है ना, ये कुछ ऐसी टीमें होती हैं कि जब आप जिस टीम को सपोर्ट करते हो ना, वो भी जब उस टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आप सोच रहे होते चल इसमें सेक्रीफाइस हो भी जाए तो है, इनको भी खुश होने का मौका मिलना चाहिए यार, मतलब बात नहीं है। मैं हूं तो इस टीम के साथ लेकिन दिल करता है कि वो भी जीते है ना, अब ऐसी भी बात नहीं, ऐसी बात है यार, मतलब मजा आता है आरसीबी को देखने का, हारते हैं तो इतनी बुरी तरह हारते हैं कि बंदा सोचता है यार वाह, और जीतते हैं तो भी रिकॉर्ड्स बना के पूरे 10 रन की विक्ट्री, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो तो एक मैच है ना, वो पुराने रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ 10 रन अगला जो मैच हारे पता किस तरह हारे वो पंजाब के अगेंस्ट, वो कितने मार्जिन से वो हम हारे हैं माशाल्लाह से 200 प्लस उन्होंने किया था पूरा मुकाबला करते हुए 109 बनाए और एक सेकंड ये उसके लिए जिस बंदे ने स्पेशली मेरे लिए लिखा था ना पूरे 10 रन से आज जीते ये उस बंदे के लिए, अच्छा तुझे पता है पूरे 4 स्कोर पे ना हमारे 3 आउट भी हो गए थे माशाल्लाह, तो उस टाइम मुझे लगा फुटबॉल का मैच चल रहा है 4-3 हुआ फिर बाद में पता चला नहीं अभी ये बी डिविलियर्स है शायद कुछ करे, लेकिन 109 तक हम जा सके फिर उसके बाद हार गए, इसीलिए कहा है ना ये वो टीम होती है जिनके साथ दिल होता है, मतलब दिल होता है, मतलब कम ऑन यार, मतलब हार जाओ एक मैच है okay. ये वीडियो थी मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, उनके उनके लिए फैक्ट्स थे मुंबई इंडियंस को लेकर, इसमें 2-3 प्लेयर्स जो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, एक तो मलिंगा और पांड्या, T20 में फिर पांड्या रोहित शर्मा, ये तीन और बजी हुई तो बतला है यार, मुझे पर्सनली जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था ना तो मैं हरभजन सिंह के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता था, अच्छा मैं स्पिन बॉल करता था ना तब, ठीक है अब तो क्वाइट स्ट्रेंज, मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि मैं आई वांट टू बी अ बॉलर लाइक हरभजन, वो बड़ा यूनिक था, वो ऐसे करके बाजू आता था फिर ऐसे होता था, मुझे थोड़ा सा याद भी है, फिर ऐसे करके फिर वो बॉल फेंकी जाती थी ना, पाकिस्तान में जो एक्शन सबसे ज्यादा स्पिनर्स में कॉपी होता है पता किसका, शाहिद अफरीदी सबसे, स्पिनर थोड़ी ना वो जो भी है उसका एक्शन दूसरे नंबर पे अनिल कुंबले का, जो स्पिन बॉल वो बड़ा जो लेग स्पिनर असल में वो बड़ा स्मूथ एक्शन है, अनिल कुंबले वाला बड़ा सिंपल आसान नहीं है फिर भी लेकिन स्मूथ एक्शन है, ये दो एक्शन मैंने मैंने पर्सनली देखे हैं लोग कॉपी करते हैं, हरभजन का तो मैं पहली दफा यार मैं पर्सनली करता हूँ, मैंने सुल्तान वीर के एक्शन देखे हैं यार, तुम क्या बात कर रहे हो कॉपी तो नहीं करता मैंने नहीं की, मैंने लोगों को देखे हैं सुल्तान वीर का एक्शन, वो पता है बॉल करने आता है ना उसकी एक तरफ से शर्ट यहाँ तक आ जाती है जिस तरह वो बाजू लेके आता है, इसी तरह मतलब कुछ लोगों के होते हैं थोड़े से, तो हरभजन सिंह का वो बड़ा बाजू ऐसे ऐसे करके, क्रिकेट पे बातें चलती हैं तो खत्म नहीं हो सकती, ये तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 16 मिनट में जा चुकी है, अच्छा तो यहाँ पर हम वीडियो को 16 मिनट की नहीं है छोटी है, ये आपकी कैलकुलेशन खराब है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं ठीक है, क्योंकि आरसीबी वालों के बहुत बुरे हालात हैं, इनकी गिनतियां भी खराब हुई हुई हैं, सो इस आई मुंबई इंडिया के इंडियंस के बारे में काफी चीजें आइडिया थी, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी सक्सेसफुल, और जो जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं वो नीचे MI लिखते जाएं, क्योंकि एंड में जब मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स जो भी जीतेगा उसके फैंस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, हम पहले आरसीबी वाले भी लिख सकते हैं रेड आर्मी रेड आर्मी लिख दे तो मैं समझ जाऊंगा लिख दो यार लिख दो, मतलब ठीक है बंदे को कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, मतलब हंसने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है लिखो लिखो आरसीबी लिखो लिखो लिखना है, तुम भी लिख लेना नीचे दो चार मैं पिन कर दूंगा, 5-6 आईडियोस से जाके लिखना ठीक है, मुझे कमेंट आरसीबी का लिखना है मैं पिन कर दूंगा, लिखने में क्या होता है मैं पिन भी करूंगा ताकि लोग देख देख के लिखें, सही होगा, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।